जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी इस बार 26 जून दिन सोमवार को है। सोमवार के दिन होने से महाअष्टमी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, नवरात्रि का वैसे तो हर दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह पूरे 9 दिन माता रानी को समर्पित है। लेकिन नवरात्रि में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब से भगवान शिव ही माँ के क्रोध को शांत कर पाए। इसलिए नवरात्रि में माता रानी के साथ ही भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसे नवरात्रि में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस पर माता रानी की असीम कृपा बरसती है और माता रानी अपने उन भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। शास्त्रों में भोलेनाथ को सबसे ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। भोलेनाथ श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए हुए एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार भोलेनाथ को अलग अलग द्रव्य अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में भगवान शिव का पूजन करने से पहले आप माता रानी का पूजन अवश्य करें। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना करी हुई है, तो सबसे पहले कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर उनका पूजन करें। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार घट में नवरात्रि के दौरान समस्त देवी देवताओं, भगवान शिव, भगवान विष्णु का भी वास होता है। इसलिए नवरात्रि में कोई भी पूजन करने से पहले घट में स्थापित सभी देवी देवताओं का, भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। कलश के सामने आप एक दीपक जलाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप माता रानी का पूजन करें। माँ का पूजन करने के लिए माँ के सामने एक दिया जलाएं, माँ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं, पुष्प अक्षत अर्पित करें। फिर आप नवरात्रि का जो पूजन करते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ के किसी मंत्र का जाप करते हैं या माँ की आरती करते हैं, जो भी आपका रोजाना का पूजन है, आप है पूजन करें। या फिर आप माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। माँ का पूजन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप अपनी मनोकामना के अनुसार भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो दोस्तों आप एक लोटे में शुद्ध जल दें। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डालें। शक्कर के स्थान पर आप बताशा या कोई मिष्ठान भी डाल सकते हैं। अब आपको इस जल में सबसे महत्वपूर्ण चीज डालनी है और वह है काले तिल। अब दोस्तों, आपको इस जल से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात आपकी जो भी समस्या है, वह आप भोलेनाथ के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ का अभिषेक करने से जीवन से सभी प्रकार के कलेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, अचानक आने वाली तकलीफों से भी राहत मिलती है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से भी राहत मिलती है। माता रानी और भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या आपके संतान तो हैं लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके संतान गलत संगत में पड़ गए हैं, तो दोस्तों आपको आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर साबुत गेहूं चढ़ाने हैं। आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुल 11 बार गेहूं चढ़ाने हैं। गेहूं चढ़ाने के पश्चात आप फिर से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें
और संतान संबंधी जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। जल चढ़ाने के बाद आपको एक बार रुद्राष्टक का पाठ अवश्य ही करना है। आज के दिन इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है और संतान अगर गलत संगत में हो तो वह भी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख सुविधाओं की और सुख समृद्धि की कमी है, घर में सब खुश नहीं रहते या फिर पैसा आता है और फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, घर में धन की कमी लगातार बनी रहती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब आपको इस जल में ज्यादा सी चीनी मिलानी है। जी हाँ दोस्तों, चीनी एक दो चुटकी नहीं बल्कि आपको लगभग 3 से 4 चम्मच चीनी इस जल में मिलानी है। जल को आपको एकदम मीठा कर लेना है। अब दोस्तों आपको इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से भी आप शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें और फिर आप भोलेनाथ को प्रणाम कर माता रानी को भी प्रणाम करें और आपको जो भी धन संबंधी समस्या है, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, सुख सुविधाओं की कमी है, इन सभी समस्या को दूर करने की माता रानी और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती, घर में पैसा टिकने लगता है और परिवार में खुशियां आती हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, धन प्राप्ति के नए मार्ग नहीं दिख रहे, कड़ी मेहनत कड़े प्रयास के बाद भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन पदोन्नति नहीं हो पा रही, दोस्तों इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप थोड़े से साबुत चावल लें। ध्यान रखें, चावल का हर दाना साबुत होना चाहिए। अब आप भोलेनाथ के शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। अभिषेक करने के पश्चात दोस्तों आप 11 बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं। आपको कच्चे साबुत चावल के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। चावल चढ़ाने के बाद आप फिर से जल से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर आप माता रानी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, भोलेनाथ को प्रणाम करें और आपके व्यापार में नौकरी में जो भी समस्या हो, धन संबंधी जो भी समस्या हो उसे दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान शिव के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आपको आज के दिन कच्चे चावल भी अवश्य ही दान करने हैं। यह चावलों में टूटे हुए चावल के दाने हो सकते हैं। अगर हो सके तो आप 1.25 किलो चावल आज के दिन दान करें और जितने भी चावल आप दान कर रहे हैं उन चावलों को आप पूजन से पहले भोलेनाथ की शिवलिंग के पास रख दें और फिर भोलेनाथ का पूजन करें और पूजन के पश्चात इन चावलों को आप दान कर दें। ऐसा करने से अति शीघ्र ही लाभ होता है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। दूध आपको इतना डालना है कि जल सफ़ेद रंग का हो जाए। अब इसमें आप थोड़ा सा दही डालें, थोड़ी शक्कर डालें और थोड़ा सा शुद्ध घी डालें और इसमें थोड़ा गंगा जल डालें। अब इस जल से आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ के साथ ही माँ भगवती की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, किस्मत साथ देने लग जाती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। पूजन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भोलेनाथ का पूजन करते समय अगर आप जल में दूध डाल रहे हैं तो तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। भोलेनाथ का पूजन करते हुए जल चढ़ाते समय आपको भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं और कन्याएं
भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।